गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और AOVC यानी अभिषेक ऑनलाइन वीडियो कोचिंग के साधारण ब्याज चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। साधारण ब्याज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर मैथमेटिक्स का है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको पढ़िए। अब देखिए, इसमें आपको बहुत सारी तरह के ट्रिक्स मिलेंगे, बहुत सारी तरह के फॉर्मूला मिलेंगे आपको। ये सब चीज़ कुछ भी फॉलो नहीं करना, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक जो फॉर्मूला होता है इसका एक बेसिक सब फॉर्मूला, उसी बेसिक फॉर्मूला का आपको फॉलो करना है। और वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, SI = PRT/100। सिर्फ इसी फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बनेगा। इसमें आपको यानी मेरे नोट्स का इसमें आपको 61 क्वेश्चन मिलेगा जो कि किसी न किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। यदि आप लोग पास इस तरह का नोट्स नहीं है तो आप लोग इस नोट्स को मंगवाइए, इसी में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। तो अब क्योंकि इसका जो भी क्वेश्चन है वो सबका सब किसी न किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, किसी न किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको हम पढ़ते वही है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो साधारण ब्याज चैप्टर, तो साधारण ब्याज चैप्टर में आपको करना कुछ भी, बस नाम से स्पष्ट है साधारण ब्याज, सिर्फ इसका नाम समझिए, इसको बस सिर्फ समझिए कि आखिर इसमें कहता क्या है। साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है, साधारण ब्याज, और ब्याज होता क्या, इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि हम किसी से 500 रुपये लेते हैं तो कोई हमको 500 रुपये क्यों लेगा, कोई है क्यों हमको देगा 500 रुपये, उसको कुछ फ़ायदा हो सके, ताकि हम उसको 500 रुपये प्लस में कुछ एक्स्ट्रा रुपये और लौटाएंगे तो वो हमको खुशी खुशी दे सकता है पैसा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हम उसको जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं 500 रुपये के बदले में 600 रुपये जो एक्स्ट्रा देते हैं, उसका एक हिसाब किताब होता है, वो रेट होता है, टाइमिंग होता है, एक रेट देता है और जितना टाइमिंग होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसको निकालते हैं उसको कितना ब्याज उसको चाहिए। तो अब देखिए, इसमें आपको ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज, एक सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में साधारण ब्याज, यानी ब्याज को कैलकुलेट करने का बिल्कुल साधारण सा तरीका, कि बिल्कुल एक ही ऐसा वो कैलकुलेट था, इसका एक फॉर्मूला था PRT/100। इसमें देखिए दो तीन आपको, ये साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो कि ऐसा ब्याज का वैसा विधि जो कि सिंपली रूप से कैलकुलेट हो। और उसके बाद इसमें आपको मिलेगा जो शब्द का आपको मीनिंग जानना है, जैसे मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं, तो मूलधन मतलब वैसा रुपया जो बेसिक प्राइस हुआ, जितना रुपया हम किसी से लिए हैं वो होता है मूलधन, जो बेसिक रुपया कहीं हम इन्वेस्ट किए हैं, कोई मुझ में इन्वेस्ट किया है, जैसे 500 रुपया लिया कोई हमको दिया है तो 500 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ। उसके बाद देखिए मिश्रधन क्या होता है, 500 रुपये के बदले में हम 500 रुपये लिए, कुछ उसका रेट होता है, कुछ उसका टाइम होता है, उस टाइम के बाद हम उसको जो टोटल अमाउंट हम उसको पेड करते हैं 500 से एक्स्ट्रा रुपये, जो 600 रुपये हो सकता है, 700 जो भी हम पेड करते हैं उसको उस टोटल अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन, उसको डिनोट करते हैं ए से। एक होता है रेट, एट द रेट, यानी उसका किस रेट से हमको पैसा दिया, जैसे कि 5% वार्षिक रेट से हमको पैसा दिया है कोई, तो इसका मतलब क्या है, एक साल के बाद वो हमसे पर सैकड़ा आपको 500 रुपये हमसे लेगा, यानी 5 रुपये हमसे लेगा, यानी कि 5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, एक साल के बाद वो हमसे 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। तो इस रूप जैसे 20% वार्षिक हमको दिया कोई पैसा, तो वो हमसे अगले साल 120 रुपये लेगा, और ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ यानी कि परसेंटेज हुआ वही रेट होता है। टाइमिंग, ये 5% वार्षिक है और उसको हम 5 साल के बाद हम वापस किए हैं, यानी एक साल में वो 5 रुपये एक्स्ट्रा होता है, तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा होगा, 25 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा, यानी यही PRT। पी मतलब हुआ मूलधन, ए मतलब हुआ मिश्रधन, आर मतलब रेट हुआ, टी मतलब टाइम हुआ, और फॉर्मूला इसका होता है SI = PRT/100। इसका फॉर्मूला देखिए, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर PRT यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, यानी SI = PRT/100। और आपको जितना भी चैप्टर का इस क्वेश्चन में 61 का 61 क्वेश्चन सबका सब आपको इसी फॉर्मूला पे बनेगा। और SI बराबर एक और फॉर्मूला होता है जो A - P, यानी कि मिश्रधन में से यदि मूलधन को माइनस कर लेते हैं तो वो होता है SI के बराबर, यानी कि मान लीजिए 500 रुपये किसी से लिए हैं और उसको 600 रुपये वापस कर रहे हैं, तो हम उसको जो एक्स्ट्रा रुपया जो 100 वापस कर रहे हैं वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो यही 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग पास ये नोट्स हैं तो आप इस नोट्स को मंगवा सकते हैं, इसे प्रोसेस दिया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। बस आपको आपका ये नोट्स रहेगा, इस नोट्स का आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, आपका नोट्स रहेगा, इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। 1 से लेकर 61 तक हम सब क्वेश्चन को बिल्कुल कैलकुलेट यानी इक्वेशन सबका बना देंगे, सबको बता देंगे कैसे बनेगा उसका, फिर आपको इसका आपको खुद से
प्रैक्टिस करनी होगी। तो फिर चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहता है, 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें बस साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले वो क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लीजिए, उसमें देखिए कि उसमें क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है। तो 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से, यानी 6% क्या हुआ, रेट दिया 8 वर्ष में, यानी टाइम दिया 8 साल। अब 7500 का, यानी कि 7500 का, यानी 7500 का निकालना ब्याज, यानी 7500 क्या हुआ, मूलधन हो गया। साधारण ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज आपको पूछ रहा है। तो बस क्या करते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कीजिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, और उसको बस पुट कीजिए आपका। तो देखिए तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, यानी कि SI बराबर PR×P/100। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अब देखिए आपको इस मैथमेटिक्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैथमेटिक्स को देखिए आपको बनाना है। तो देखिए SI बराबर PRT/100। तो अब देखिए इसमें बस पुट करते हैं, P का वैल्यू क्या है, 7500 इंटू, R का वैल्यू 6% इंटू टाइम कितना है 8/100, यही तो SI निकलेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बस बिल्कुल सिम। अब देखिए आपको कैलकुलेशन के लिए अलग से रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 75 को 6 से गुणा कीजिए, फिर 8 से गुणा कीजिए। 75 को 6 कितना हुआ, 75 गुना था 150, और 150 को 3 वगैरह कीजिए, पता चलिए 450। 75 का 450 को आपको 8 से गुणा करना है, यानी कि 75 × 6 = 30, और 7 × 6 = 42, और 3 × 45 450 × 8 800, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 32, 32 × 4 = 36, यानी कि 3600 रुपये क्या हुआ, उसका ब्याज हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को माइंडली बनाने के लिए क्या कीजिए, जैसे बोला 7500 का, यानी मूलधन में से 2 को 0 ऑटोमेटिक हटा दीजिए, तो 75 × टाइम × रेट × टाइम, इतना आप बिल्कुल माइंडली भी करके आप आंसर को निकाल सकते जब एग्जाम में हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, कहता है कि 5000 की राशि पे 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो बस उसने वैसे SI का फॉर्मूला लिखिए, SI बराबर PRT/100। तो 5000 इंटू 8% इंटू 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, बस कुछ नहीं, 8×24 = 120, यानी कि 1200 रुपये। कुछ भी था इसमें, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपली बन गया, और ये बहुत आसानी से बन भी गया, ये क्वेश्चन नंबर दो था। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, 40,000 की राशि पे 3 वर्ष में 6% रेट से ब्याज क्या होगा, यानी SI बराबर PRT/100, साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, उसमें 6×3 = 18, 18×4 = 72, यानी कि 7200 रुपये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, 10,000 की राशि पे SI बराबर 10,000 की राशि पे 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, इस तरह से इसको 8×24 यानी कि 2400। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, 6% के सरल वार्षिक ब्याज पे 8000 रुपये की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। तो बस देखिए साधारण ब्याज बराबर SI बराबर, जितना भी क्वेश्चन मिले आपको सब में SI का फॉर्मूला यही लगाना है, PRT/100। अब देखिए SI P कितना है, 8000, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 महीना दिया आपको, देखिए 6% वार्षिक है लेकिन आपको टाइम क्या दिया, 3 महीना, तो इस महीना को आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो महीना को वर्ष में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 12/2 करते हैं, और बट्टा में 100 है, इसको वर्ष निकालिए, 6×6 = 12, 2×2 = 40, यानी 4×3 = 12, 120, यानी 120 रुपये इसको ब्याज मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 10,000 का 6% के रेट से 9 महीने में, तो 9 को साल में कन्वर्ट करेंगे, बट्टा में 100, 6 × 12 = 50, 9 × 5 = 4500, यानी कि 450 रुपये का होगा ब्याज होगा।